नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यातायात की जानकारी को बढ़ावा देने व छात्रों में जनजागरूकता लाने के लिए उमरिया मुख्यालय में यातायात जागरूकता चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी एवं एसपी सचिन शर्मा ने प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्रों के पेंटिंग का अवलोकन किया, साथ ही चयनित प्रतिभागियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों से अधिक संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, ताकि जो हमारी उमरिया की जनता है वह उसे देख के प्रेरित हो सके और यातायात के नियमों का पालन करे। यह सब हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया गया, इसीलिए मैं उसको अपने पेंटिंग में दर्शा पाई। मेरे माँ बाप ने भी मेरी बहुत मदद की मेरी पेंटिंग में, इसलिए मैं इतने अच्छे तरीके से उसे दर्शा पाई सब लोगों के सामने कि मैं आज आपके सामने प्रथम पुरस्कार लेकर खड़ी हूँ। नियमों के पालन के संबंध में बच्चों के माध्यम से एक जागरूकता मिशन लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का अक्षरशः पालन करें, जिससे कि जिले में हो रही दुर्घटनाओं में, जिसमें कई बार मृत्यु तक हो जाती है या फिर गंभीर चोट लग जाती है, उसमें कमी आ सके। इसी के अलावा आज हम लोगों ने एक संकल्प पत्र भी लॉन्च किया है, जिसमें आने वाले एक सप्ताह में अगर कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसको सीधे चालान नहीं काटा जाएगा, समझाइश दी जाएगी, और जिसमें वो अपने आप को जो संकल्प लेगा कि अगर मेरे से उल्लंघन होता है तो अगली बार मेरा वाहन पे कार्रवाई की जाए। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी दीपू की रिपोर्ट।